नायब तहसीलदार बने लव कुमार कंवर, रतीजा में हुआ जोरदार स्वागत। सीजीपीएससी 2022 के जारी नतीजे में कोरबा जिले के एक और बेटे ने कमाल कर दिया है। तहसील पाली के ग्राम पंचायत रतीजा निवासी लव कुमार ने शानदार उपलब्धि हासिल कर नायब तहसीलदार के पद चयनित हुए हैं। चयनित होने बाद आज अपने गृह ग्राम पाली विकास खंड अंतर्गत ग्राम रतीजा पहुंचने पर ग्राम के सरपंच, उपसरपंच सहित पूरा ग्राम के लोग द्वारा डीजे व बैंड पार्टी और फूलमाला, आतिशबाजी, रंग गुलाल के भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, लव कुमार कंवर के पिता रामशरण सिंह कंवर पाली विकास खंड के ग्राम रतीजा में सचिव के पद पर उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। लव ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता जानकी देवी कंवर, पिता रामशरण सिंह कंवर एवं नाना, नानी व अपने गुरुओं को दिया है। बताते चले कि बचपन से होनहार लव कुमार की प्रारंभिक शिक्षा नर्सरी से कक्षा तीसरी तक सरस्वती शिशु मंदिर जमनी पाली में हुआ है। कक्षा चौथी पांचवी की शिक्षा सरस्वती ज्ञान मंदिर रजकम्मा में हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित लव ने कक्षा छठवीं से दसवीं तक की शिक्षा नवोदय में पूरी करने के बाद अफसर बनकर समाज की सेवा के संकल्प के साथ ग्यारहवीं बारहवीं की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से पूरी की। महाविद्यालयीन शिक्षा के साथ ही साथ इन्होंने अफसर बनने के अपने सपने को साकार करने पीएससी की कोचिंग शुरू कर दी और अंततः सीजीपीएससी 2022-23 की परीक्षा उत्तीर्ण कर नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए। साथ ही परिवार, समाज एवं कोरबा जिले का नाम रोशन किया। लव की उपलब्धि पर स्वजन मित्रजनों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की है। लव का मानना है कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। संघर्ष हमें थकता जरूर है, लेकिन अंदर से मजबूत बनाता है और मजबूत इंसान मजबूत नेक इरादों के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहता है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, यहाँ एक महती जिम्मेदारी रहती है। उन्हें जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी, पूरी राजस्व सहित प्रशासन द्वारा सौंपे गए समस्त शासकीय कार्य दायित्वों का पूरी संजीदगी के साथ निर्वहन करेंगे। स्कूलिंग नाना जी नानी जी मन के सानिध्य में रखे चालू करें। केजी वन से पाँचवीं क्लास तक हमने साथ रहे, तेके बाद छठवीं से दसवीं तक नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। तो ग्यारहवीं बारहवीं बिलासपुर में रहे, मैं केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से मैंने स्टडी करें। तो वहाँ ले रह के फिर बारहवीं जैसे निकले तो नौ पारा के दो जन मामा मन सब इंस्पेक्टर बनी। उमर देख के मैं थोड़ा प्रेरित हुए और वही घनी डिप्टी कलेक्टर बनी रवि भैया महेशपुर के, ओला देख के थोड़ा सा अच्छा लागिस और लगिस कि मतलब सिविल सर्विस एग्जाम में जाना चाहिए करके। काबर की ग्यारहवीं बारहवीं में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा नहीं रही से, तो मैं सोचे कि इंजीनियरिंग ना करके सिविल सर्विस ला तैयारी करो करके पीएससी ला। तो कॉलेज लाइफ ले चालू कर दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई नहीं होती रही से। काबर की कॉलेज लाइफ और पर्सनल लाइफ जो थोड़ा अलग हो जाते। तेके बाद कॉलेज ले निकल के बाद मैं ईमानदारी से पढ़ाई चालू करें, लेकिन मेंस में कम नंबर होने की वजह से सलेक्शन नहीं हुई। तेका 2019 में फिर मैं अटेम्प्ट दिलाए, वहूँ मैं इंटरव्यू तक गए, लेकिन मेंस में फिर से कम नंबर रही से। तब अपन के गलती ला थोड़ा सा देखें, सुधारें, तेके बाद प्रयास करें। लेकिन 20 और 21 के जो पेपर रही से वहाँ प्री ही नहीं निकली। तो जब प्री नहीं निकले तो ऊपर तो आगे नहीं बढ़ सका। तो फिर 20-21 हो गई, तेका अभी 22 वाला जो आ रही से 2022 सिविल सर्विस एग्ज़ाम वहाँ मैं दिलाए। तेके बाद अभी ये नायब तहसीलदार के पोस्ट मैं मिली से और मैं खुश हूँ और आगे बढ़े के प्रयास करूँ मैं और आगे अटेम्प्ट देत रहूँ ताकि मैं डिप्टी कलेक्टर तक चयनित हो पाऊँ। ठीक।